नमस्कार। शब्दों की खेती में आज प्रस्तुत है फिल्म तंत्र की वाटिका का नवल प्रसून स्वराज की भावना। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर भारतीय कांग्रेस पार्टी को अपने अखिल भारतीय स्वरूप तथा सत्ता हस्तांतरण के निर्णायक काल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की वजह से देश के नागरिकों का अमित समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण वो 3 दशकों तक भारत की राजनीतिक चेतना पर छाई रही। एक दलीय वर्चस्व के कारण भारतीय कांग्रेस पार्टी ने देश के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को भी गंभीरता पूर्वक प्रभावित किया। स्वातंत्रोत्तर भारत की स्वराज की भावना में अनुप्राणित फिल्मों से 1947 में निर्मित जेल यात्रा, उठो जागो, सेवाग्राम, जंजीर तथा 1950 में बनी हिंदुस्तान हमारा है और समाधि नामक फिल्में प्रमुख मानी जाती हैं। 1952 में निर्मित आनंद मठ में बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत फिल्माया गया। 1957 में निर्मित परदेशी नामक फिल्म का कथानक भारत में आने वाले प्रथम रूसी यात्री अफानसी निकितीन 15वीं शताब्दी के यात्रा वृत्त पर आधारित था। इसका फिल्मांकन भारत और रूस दोनों देशों में हुआ। इसके निर्माण का श्रेय ख्याति प्राप्त लेखक और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास को है। इसमें भारतीय संस्कृति की सुंदरता प्रस्तुत की गई, जिसमें अतिथि सेवा और भारतीयों के निश्चल चरित्र की अभिव्यक्ति विशेष रूप से हुई थी। सन ऑफ इंडिया और हकीकत के बाद 1962 में निर्मित चीनी आक्रमण विषयक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का गीत ए मेरे वतन के लोगों मुखरित हुआ। कहते हैं कि इसे सुनकर पंडित नेहरू की आंखें नम हो गई थीं। 1966 में बनी मेरी आवाज सुनो नामक फिल्म में देश के नौनिहालों के प्रति उनके चाचा नेहरू की भावनात्मक वसीयत का आवास हुआ। 1967 में बनी उपकार और अमन नामक फिल्मों में भी राष्ट्रीय नेताओं तथा उनके आदर्शों का प्रदर्शन किया गया। मनोज कुमार की फिल्म क्रांति 1981 झांसी की रानी के बाद और आजादी के पहले के घटना चक्र को लेकर फिल्माई गई। यह क्रांति सामान्य न होकर एक ही परिवार के मुखिया और उसके 2 पुत्रों की कथा बनकर रह गई, जिसे फ्लैशबैक में रूपायित किया गया था। शेष फिर कृपया कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।